हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा था ना, अगर मेरी नहीं हो पाई ना, मैं किसी और की भी तुझे होने नहीं दूंगा। रात के अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर ऑफिस से घर लौटती एक लड़की को एक जुनूनी लड़का धारदार चाकू से मारता है और साथ ही चीख चीख कर अपने प्यार का इजहार करता है। क्या ये प्यार था? यकीनन नहीं, ये सिर्फ हैवानियत थी। आजकल बड़े शहरों में कामकाजी महिलाओं का देर रात ऑफिस से घर वापस लौटना आम बात है, लेकिन इस तरह के दर्दनाक हादसे उनमें एक दहशत पैदा कर रहे हैं। आज की इस कहानी को दिखाने का हमारा मकसद दहशत को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि आप सबको सावधान और जागरूक करना, ताकि हमारे समाज में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण बन सके। क्योंकि अगर अभी सावधान नहीं हुए तो बहुत देर हो जाएगी, जैसा इस लड़की के साथ हुआ। अलका, तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स हैं, व्हाई डिड यू स्टॉप योर कॉलेज? सो एक्चुअली आई रियली नीड दिस जॉब। मेरे फादर ने अपने खराब हेल्थ के कारण बीआरएस ले लिया है और सो मैं आगे की पढ़ाई करेस्पोंडेंस से भी खत्म कर सकती हूँ। सो मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आई अश्योर यू कि अगर मुझे ये जॉब मिल जाती है तो आई विल नॉट डिसअपॉइंट। ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हो और मुझे उम्मीद है कि तुम एक अच्छी एम्प्लॉय भी बनोगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ काम पर ध्यान दोगी। यस सर। एंड नो कंप्लेन। नो सर। गुड लक। अरे अलका, अलका बेटी, तुझे गाड़ी लेने आई है और साथ में ड्राइवर भी है। हाँ पापा, अब यही गाड़ी रोज मुझे लेने और छोड़ने भी आई। अरे वाह, हमारी बेटी बड़ी साहब बन गई है, है? अब रोज गाड़ी से आने जाना करेगी, हैं? अरे वो अलका जी यहीं रहती है क्या? अरे ड्राइवर साहब आइए ना, अंदर तो आइए। अरे वो जूते उतारो। अरे अरे रह दीजिए, आइए आइए, एक ग्लास पानी। आइए आइए बैठिए, मैं अभी पानी लाती हूँ। हाँ जल्दी लेके आओ। मम्मी क्या कर रही हैं आप? वो ड्राइवर है। अरे मेहमान है, पहली बार आया है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? गोविंद मिश्रा। वैसे मिश्रा जी, काम तो ठीक ठाक है ना? जी काम ठीक ठाक मतलब, अरे क्या कर रहे हैं आप ये? अरे लीजिए थोड़ा। लीजिए। धन्यवाद। ये बताइए कि आपको तनख्वाह कितनी मिल जाती है? तनख्वाह 12,000 मिल जाती है। 12,000? प्राइवेट कंपनी में काम करने का मजा ही कुछ अलग है। हम तो भैया 21 साल से सिर्फ 4,000 रुपए पर ही थे। बेटा तुमने मिठाई नहीं ली अभी? मम्मी मम्मी बाकी की मिठाई कल खिला देना, ये रोज आने वाले है ना, आज ऑफिस में पहला दिन है, लेट नहीं होना है, ठीक है? खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा, खुश। बाय मम्मी, बाय पापा। चलो बाय। मिश्रा जी, जी हमारी बेटी का ख्याल रखिए। अरे इसमें कोई कहने ही वाला है, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। अच्छा अलका जी, एक बात बोलूं आपको। हाँ कहो ना। आपके घर वाले बहुत अच्छे हैं। हाँ मेरे इस जॉब से बहुत खुश है वो। हाँ थोड़े चिंतित लग रहे थे आपकी नौकरी के कारण, मतलब आपको रात में आने में बहुत देर हो जाया करेगी ना इसलिए। हाँ पहले थोड़े परेशान तो रहेंगे, लेकिन बाद में ठीक हो जाएंगे। कोई परेशानी हो आपको अलका जी मुझे बताइएगा, आपके घर वालों ने मुझे आपका ध्यान रखने के लिए कहा है। हाँ वो नमस्कार,
मैं एएस टेलीकॉम से अलका बोल रही हूँ। एएस टेलीनेट। मैं एएस टेलीनेट से अलका बोल रही हूँ। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हाय, माय सेल्फ राजन। नमस्कार, मैं एएस टेलीनेट से अलका बोल रही हूँ। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? जी, मैं अभी आपको चेक करके बताती हूँ। हाय। सही। हाय अलका। राजन। हाय। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? नमस्कार, मैं अलका बोल रही हूँ एएस टेलीकॉम से। हाय, आई एम मीनाक्षी। हाय। हाय कंचन। तुम्हारा आज पहला दिन है? हाँ, पहले दिन सब उल्टा पुल्टा बोल गई। एएस टेलीनेट के बदले एएस टेलीकॉम बोल। कोई बात नहीं, 6 महीने बीत जाने दो। उसके बाद जब तुम्हारे घर से भी कॉल आएगा ना, तो बस तुम्हारे मुंह से यही निकलेगा, नमस्कार एएस टेलीनेट हेल्पलाइन। अरे यार, हम भी अगर पढ़ाई अच्छे से करते तो कॉल सेंटर में नौकरी करते और जिंदगी के मजे लेते। कभी कोई मन होता है कि ऐसी कोई लड़की फंस जाए? अबे क्या हुआ? तो जिस लड़की के बारे में बात करनी है उसके बारे में करो, उसके बारे में अगर कुछ गलत बोला या सोचा कि देख उधर उसके बारे में छोटा दूंगा तेरे को। भाई जो आ जाइए, के माँ बाप ने उसको बोला उसका ध्यान रखने। अबे तू तो ड्राइवर से बॉडीगार्ड बन गया रे। आज से अपना गोविंद सलमान खान और अलका जी करीना। अलका जी, गुड नाइट। गुड नाइट गोविंद जी। बेटा इतनी देर क्यों लगा दी? अरे माँ, परेशान क्यों होती हो? नए ऑफिस में सब बहुत अच्छे, लेकिन ये रोज का लेट आना तो लगा रहेगा। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, जॉब ही ऐसी है ना। अच्छा बेटा, मैं समझ गई। पहले तू जल्दी से जा, कपड़े बदल कर आ, मैं तेरे लिए गरम गरम खाना बनाती हूँ। अलका की माँ ने गोविंद को पूरा मान सम्मान दिया, वो उसके साथ बेहद अपनेपन से पेश आए। अलका के पिता ने भी गोविंद से अलका का ख्याल रखने के लिए कहा और गोविंद ने उनसे वादा भी किया। उसने अपने साथियों को चेतावनी दी कि कोई भी अलका को बुरी नजर से नहीं देखेगा, लेकिन इस वक्त गोविंद जो कर रहा था वो उसकी घटिया और दोहरी सोच को दर्शाता है, वो सोच जिससे अलका पूरी तरह अनजान थी। ए रुको, क्या हुआ? क्यों अंदर जा रहे हो? मेरे को मैडम किसने बुलाया? बेटा मेरे को ये अंदर मैडम को देने गए। ये
ये ले। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हेयर स्टाइल नेट पे कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ। ये स्कार्फ गाड़ी में छूट गया था आपका। नमस्कार, मैं एएस टेलनेट से अलका बोल रही हूँ। मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? जी जी, ये दोस्त आज से तो अंदर पहुंच गया, लेकिन कल क्या लेके जाएगा अंदर? ये केले। आज सोमवार का व्रत था ना, तो मैंने सोचा। कौन हो तुम? मैं ड्राइवर, इनको रोज सुबह लेने। नहीं, आपको यहां अंदर किसने आने दिया? और ये क्या है? केले हैं, इनका व्रत था तो। आपको पता है ना, आपको पता है ना इस कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस? यहां पर किसी भी आउटसाइडर का अंदर आना मना है। और तुम अभी तक यहां खड़े क्या कर रहे हो? अलका, तुम्हारा बॉस अब बस अब कभी चिल्लाएगा नहीं तुम्हारे ऊपर। क्या? कुछ नहीं। अरे यार, कल शाम को मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, बॉस को किसने मारा होगा? नहीं यार, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें किसी पे कोई शक है क्या? नहीं यार, बिल्कुल नहीं पता। मुझे भी नहीं पता यार। हे अलका, तुमने बॉस के बारे में कुछ सुना क्या? क्या? कल यही पार्किंग में कुछ लोगों ने उन्हें बहुत मारा और वो अभी इस टाइम हॉस्पिटल में है। व्हाट? हाँ, तुम्हारा बॉस अब बस अब कभी चिल्लाएगा नहीं तुम्हारे ऊपर। पंडित जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। वो अलका आई नहीं अभी तक, मैं इंतजार कर रहा था बाहर। तो वो तो चली गई बेटा, सवेरे ही। अरे वाह,
तुम्हारे साथ तो सिर्फ 20 मिनट में पहुंच गई। ऑफिस की गाड़ी से तो बहुत देर हो जाती है। तो एक काम करो, रोज तो मेरे ही बाइक पे ऑफिस आया करो। एक्चुअली राजन, अगर तुम मुझे रोज रोज लेने आओगे तो मेरी मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगेगा, और फिर आसपास के लोग भी बातें करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि तुम्हारा घर मेरे घर के करीब है। वो राजन, मैं क्या सोच रही थी, आज अगर हम जल्दी आ गए हैं तो कॉफी शॉप चले। चलो। गोविंद, क्या लड़कियों को घूरता रहता है? इसमें से कोई तुझे ग्रीन सिग्नल नहीं देने वाली। तब लड़कियों को ना हाई फाई लड़के चाहिए होते हैं, हाई फाई। हाँ, मैं क्या हूँ, मुझे क्या समझता है? गांव में लाखों की जमीन है मेरी, लाखों की। ऐसी 10 लड़कियों को ऐसा घुमाऊंगा मैं। अबे घुमाया होगा, लेकिन गाँव की, इस शहर की मॉडल लड़कियां हैं। और जो तू अलका जी को घूर रहा है ना, उसे तो बाइक वाला लौंडा घुमा रहा है आजकल। चल भूल जा उसे। गोविंद, गाड़ी क्यों रोक दी? तुम लड़के के साथ क्यों चली गई? क्या बदतमीजी कर रहे हो? क्या बदतमीजी क्या है? मैं तुम्हें रोज लेने के लिए आता हूँ, 15-15 मिनट तक इंतजार करता हूँ तुम्हारा बाहर, तुम उस लड़के के साथ चली गई, क्या मतलब है? गोविंद, गाड़ी स्टार्ट करो, मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे। क्या जानती हो उसको? अरे तुम्हारी जैसी लड़कियों को ये लोग ले जा करके। चुप करो गोविंद, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, तुम्हें मेरा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? अब तुम गाड़ी स्टार्ट करते हो या नहीं? अलका, तुम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो या नहीं? अलका मेरी बात सुन। ठीक है, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। अलका, अगर मेरा पीछा किया ना तो ऑफिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूं। मेरा पीछा करना बंद करो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, वो लड़का तुम्हारे लिए, तुम्हारे लायक नहीं है वो। इस लड़की को आंटी जी। नमस्ते गोविंद जी। नमस्ते। वो अलका किधर है? वो तो चली गई बेटा। चली गई? कह रही थी कुछ काम है इसलिए जल्दी निकल गई। सब ठीक तो है ना? जी ठीक है। अब क्या करें? बॉस की तरह इस लड़के को भी मारेगा क्या? जब उस लड़की को तेरी नहीं पड़ी है तो तू क्यों पड़ा है उसके पीछे? मेरी बात मान, उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। अरे अभी तुम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आ जाओ छोड़ दो तुम्हें। आज
क्या हुआ? चलो, कुछ भूल गई क्या ऑफिस में? अरे अलका, अलका कम इन सर। हाँ बोलो सर। वो एक ड्राइवर है गोविंद, मुझे पिकअप करने वाली गाड़ी में आता है। सर वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। देखो अलका, इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। एक ड्राइवर चेंज करने के अलावा और भी काम है हमारे पास। अगर तुम्हें उस ड्राइवर के साथ नहीं जाना है तो ऑफिस से बाहर जाके एक ऑटो पकड़ो, घर चले जाओ। अनिल, केबिन बंद करो। महिला कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके ऑफिस या कंपनी की भी है। सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई भी महिला कर्मचारी किसी तरह के दुर्व्यवहार की शिकायत करती है तो उसी कंपनी की एक अन्य महिला कर्मचारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाकर उस शिकायत की जांच की जानी चाहिए और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसे नौकरी तक से निकाला जा सकता है। लेकिन अलका के मामले में ऐसा नहीं हुआ और यही सबसे बड़ी गलती हुई। राजन का फोन भी बंद आ रहा है, पता नहीं बिना बोले कहाँ चला गया। क्या हुआ? क्या हुआ? आप लोग अब तक सोए क्यों नहीं? गोविंद आया था। क्यों? सब कुछ बता दिया उसने। क्या बता दिया है? बस करो अलका। पापा मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? कौन है वो लड़का जिसके साथ तुम रोज ऑफिस आना जाना करती हो और अभी भी तुम ऑफिस छूटने के बाद उसके साथ ही थी और तुमने हम लोगों से झूठ बोला? पापा मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूंगी? और आप उस ड्राइवर गोविंद की बात पर भरोसा कर रहे हैं? मानना ही पड़ेगा, जब अपनी ही बेटी बात छिपाने लगे तो हमें दूसरों की बात माननी ही पड़ेगी। पापा सच बात तो यह है कि उस ड्राइवर गोविंद की वजह से ही मैं घर नहीं आ पाई थी। बस करो अलका, बहुत हो गया। जब उसने तुम्हारी सच्चाई हम लोगों के सामने बता दी तो तुम उसकी बुराई करने लगी हैं? पापा मैं सही कह रही हूँ। मम्मी मम्मी आप पापा को बोलिए ना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। पापा मैं सच कह रही हूँ, मैं ऑफिस में ही थी। हमने रिटायरमेंट ले लिया इसका मतलब ये नहीं कि हम तेरी कमाई पर जिंदा है। आने वाले दिन में इतनी पेंशन मिलेगी कि हम दोनों इज्जत के साथ जी सकेंगे, लेकिन तुम हमारी बदनामी करो ये हम कतई नहीं सहेंगे। ठीक है बाबू, आपको मुझ पे भरोसा नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन आज के बाद वो लड़का गोविंद इस घर में कभी नहीं आएगा।
भैया एक मिनट रोकना। बहुत बहुत क्या प्यार करता हूं तुमसे बहुत। एक बात ध्यान से सुनो, दोबारा मुझे परेशान किया या मेरा पीछा करने की कोशिश की तो सीधा पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, समझे? पर मैं कह रहा हूं तुमसे प्यार करता हूं यार, तुमसे मैं शादी करना चाहता हूं, मैं रानी बना के रखूंगा, बहुत जिंदगी में बहुत प्यार करूंगा तुमसे मैं। राजन ये क्या हुआ है तुम्हें? पहले ही बता देती थी कि तुम्हारा चक्कर उस ड्राइवर गोविंद के साथ चल रहा है, तो मैं बीच में ही नहीं आता था। क्या गलती थी अलका की? ये कि वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए नौकरी कर रही थी, या फिर ये कि वो गोविंद जैसे घटिया आदमी की सोच के आगे झुक नहीं रही थी, हार नहीं मान रही थी? कोई गलती नहीं थी अलका की, लेकिन फिर भी सब उसे ही दोष दे रहे थे। यहां तक कि खुद उसके माता पिता भी उसकी बात मानने के बजाय ड्राइवर गोविंद की बात सुन रहे थे। अलका इस वक्त खुद को बेहद अकेला महसूस कर रही थी। मम्मी, हाँ? मैं ये नौकरी नहीं करना चाहती। क्या तू नौकरी छोड़ना चाहती है? बेटा फिर घर कैसे चलेगा? तेरे पापा की पेंशन भी मिलना शुरू नहीं हुई है और कब तक मिलेगी कुछ पता नहीं है। अलका मैडम, बॉस ने आपको बुलाया। कम इन। यस सर। देखो अलका, मैं यहाँ पर तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं बैठा। पर्सनल प्रॉब्लम्स? मैंने इंक्वायरी कराई, वो ड्राइवर तुम्हारी फैमिली के साथ काफी घुला मिला है, यहाँ तक तुम्हारी उससे शादी भी होने वाली थी। नहीं सर, ये सब झूठ है। देखो अलका, तुम्हारे और गोविंद के बीच जो कुछ भी हुआ है उससे मुझे यस कॉल सेंटर को कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम टाइम पर ऑफिस आओ और अपना काम फिनिश करके निकल जाओ। सब मेरे मम्मी पापा बहुत सीधे लोग हैं और गोविंद उनके सामने अच्छा बन के रहा तो उन्होंने उस पर भरोसा कर लिया और कहा कि मेरा ख्याल रखे सर, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। सर गोविंद के कारण मुझे ऑफिस आने से डर लगता है, एक बार तो ये भी सोचा कि ये जॉब ही छोड़ देती हूँ, लेकिन सर मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती, घर में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले मैं आपसे ये कह रही थी कि आप गोविंद के खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिए क्योंकि मैं इस बात को ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहती थी सर, लेकिन अब आप उसके खिलाफ जरूर एक्शन लीजिए क्योंकि गोविंद इस लायक ही नहीं है कि उसे छोड़ दिया जाए। देखो अलका, किसी के खिलाफ एक्शन लेना मेरे हाथ में नहीं, तुम लेटर लिखकर दे दो, मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा इस बारे में। अलका, I'm sorry अलका। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? गलत तो मैं हूं, सबको मैं ही गलत लग रही हूँ। अलका तुम ऐसे क्यों कह रही हो? राजन, राजन गोविंद, राजन, राजन गोविंद, राजन, राजन चलो, राजन
राजन भाई क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है? राजन चलो हमारे ऑफिस का ड्राइवर है गोविंद, हमें उसके खिलाफ कंप्लेन लिखवानी है। कौन सी कंपनी में काम करती हो? सर एएस टेलीकॉम। ये कोई कॉल सेंटर है? जी सर। तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर? हम यहाँ आपके पास कंप्लेन लिखवाने आए हैं और आप उन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं। आपको हमारी कंप्लेन लिखनी है या हम अंदर जाके लिखवाएं? तुम्हारी कंप्लेन लिखने से पहले ये तो पता करना पड़ेगा ना कि कहीं तुम किसी बेचारे की छूटी कंप्लेंट तो नहीं लिखा रही? सर प्लीज, वो गोविंद कोई बेचारा नहीं, उसके कारण मुझे ऑफिस आने से डर लग रहा है सर, वो मुझे बहुत परेशान करता है। सर उसने मुझे भी मारने की धमकी दी थी सर। मुझे? जी सर। क्यों धमकी दी थी? उसने कहा था कि मैं अलका से दूर रहूं वरना वो मुझे भी मारेगा। सर ये पुलिस स्टेशन हमारे जैसे लोगों की मदद के लिए बनाया गया है। सर प्लीज आप हमारी कंप्लेन लिखने वाले हैं या नहीं? नहीं, अभी मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया, कल आ कल सुबह। ए चल रहे अलका, चलो यहाँ से, कल आके यहाँ के सीनियर से मिलते। नहीं राजन, अब हम सीधे पुलिस कमिश्नर को कंप्लेन करेंगे। गोविंद के साथ साथ इन जैसे ऑफिसर्स को भी सजा मिलनी चाहिए, इनके वजह से पूरी पुलिस फोर्स बदनाम है। तुम सही कह रही। अलका की शिकायत पर पुलिस को गोविंद के खिलाफ आईपीसी की धारा 209 या 509 के तहत केस दायर करना चाहिए था, जिसके अंतर्गत उसे 3 महीनों से लेकर के 1 साल तक की कैद की सजा हो सकती थी। अगर पुलिस ने तभी अलका की शिकायत पर कार्रवाई की होती तो गोविंद उसी रात सलाखों के पीछे होता और अलका के साथ जो हादसा हुआ वो कभी ना होता। बस यही रोक। एक बस यहाँ पे क्या हुआ अलका? तुम्हारा घर अभी दूर है। राजन एक्चुअली अगर मेरे पापा तुम्हें मेरे साथ देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। बाय द वे थैंक यू सो मच, यू आर अ ट्रू फ्रेंड। बाय। छोड़ो मेरा। मैंने कहा था ना अगर मेरी नहीं हो पाई ना मैं किसी और की भी तुझे होने नहीं दूंगा। किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? ड्राइवर गोविंद ने। क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या हुआ बेटी को? सर अलका के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे सब पता है, मैं हर वक्त उसके साथ था, ऑफिस में, वहां पुलिस स्टेशन में भी। ड्राइवर गोविंद
हमारे बॉस मिस्टर अग्निहोत्री और इंस्पेक्टर शिंदे, ये तीनों इसकी मौत के जिम्मेदार है सर। तीनों इसके मौत के जिम्मेदार। डाइंग डिक्लेरेशन, यानी अलका ने मरने से पहले जो बयान दिया बिल्कुल सही था। अगर उसके बॉस या फिर उस पुलिस ऑफिसर ने सही वक्त पर अलका की शिकायत पर कार्रवाई की होती तो आज अलका जीवित होती। अलका एक बहुत बहादुर लड़की थी, आखिरी सांस तक लड़ी और आखिरकार गोविंद को पकड़वा कर रही। अलका के बॉस अग्निहोत्री को नौकरी से निकाल दिया गया और उस पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अलका के माता पिता को आज भी अफसोस है कि उन्होंने अपनी बेटी की बात पर विश्वास नहीं किया। अलका सही मायनों में हम सब के लिए एक मिसाल है। कामकाजी महिलाओं, खास करके कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियों को लेकर हमारी सोच इतनी गलत, इतनी संकीर्ण क्यों है? कई बार तो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात कई पुलिसकर्मी भी इसी सोच के शिकार होते हैं। लेकिन अलका की हिम्मत और कभी ना हार मानने का जज्बा इस सोच को एक बहुत बड़ी चुनौती देता है। अलका की कहानी सुनकर इस सोच में बदलाव आएगा। इस उम्मीद के साथ मैं सुशांत सिंह अब आपसे विदा लेता हूं। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स।